मौत हुआ उस कुत्ते का, आज उस कुत्ते को ठिकाने लगाना ही होगा, वरना वो हर बार की तरह इस बार भी मुझे पकड़वा देगा। इस बार अच्छे से मुझे ध्यान रखते हुए उस कुत्ते को किडनैप करना होगा। जब तक वो कुत्ता किडनैप नहीं होगा तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग भी हैं, छिप छिप कर जाना होगा कहीं राह में देख ना लें। चलो यहीं पर तो रहता है वो कुत्ता। अरे ये कुत्ता तो बाहर ही है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है पागल? कितना ट्राई किया फिर भी मेरा पोटी नहीं हुआ। चलो चल कर सो जाता हूँ, उसके बाद सुबह उठ के फिर से पोटी करूँगा, नहीं हुआ तो फिर करूँगा। अच्छा तेरे दिमाग में तो यही भरा हुआ है कुत्ते, लेकिन तेरा बहुत हुआ, आज तो तुझे ठिकाने लगा ही दूंगा। चल हो गया इसका भी काम, अब इसके घर के मालिक को बुला के इसको थोड़ा हड़का देता हूँ, तब तक मेरा काम हो भी जाएगा। अरे कौन है इस घर का मालिक, बाहर आओ। अरे यार अभी तक तो पुलिस वालों को गाड़ी के सायरन ही आ रही थी, लेकिन अब तो मुझे भी बुला रहे हैं ये लोग। कौन है यार ये पुलिस वाले, मेरे घर पे क्यों आए हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया यार, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, ये पुलिस वाले मेरे ही घर पे क्यों आए हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हर बार मैं ही फंसता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया तुमने कुछ किया है क्या, ये बाहर पुलिस वालों क्यों आए हैं? क्या सिंचन तुम बाहर देखने गए थे? बाहर तो नहीं गया था, लेकिन मैंने देखा लाल बत्ती बल रही थी। अरे यार सच में मतलब पुलिस वाले आए हैं? मेरे को तो छिप के रहना, मैं तो जाऊंगा नहीं बाहर। अरे जाओ यार कितना डरते हो तुम भी। मैं जाना पड़ेगा क्या? गाइस यार मेरे को तो डर लग रहा है, कहीं पुलिस वाले मुझे उठाने तो नहीं आए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? ये चौप कहाँ है यार, रात को भी घूमता है। अरे यार पता नहीं कौन आएगा, मेरे को तो ट्राई करना पड़ेगा। ओ सिटी तो बाहर ही खड़ा है, लेकिन ये वर्दी में क्यों नहीं है? ये पुलिस वाला वर्दी क्यों नहीं पहन के आया है? अरे डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें बहुत ही अर्जेंट बात बताने आया हूँ। क्या ऑफिसर मुझे बात बताने आए हो, मतलब मुझे तुम अरेस्ट नहीं करने आए हो? अरे सॉरी सर, लेकिन मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो बस एक एम्बुलेंस चलाने वाला छोटा मोटा बंदा हूँ। क्या एम्बुलेंस चलाने वाले, ये सायरन एम्बुलेंस का था? अरे यार मैं खामखा ही परेशान हो रहा था। अरे हाँ लेकिन बात तो सुनिए, मैंने आपके फोन पे एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो भेजा है, जल्दी से उसको देखिए और बताइए ये क्या चीज है। क्या वीडियो देखिए? अरे हाँ वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और आप देख कर बताइए मुझे। गाइस ये वीडियो में दिखा रहा है एक बंदा जा रहा है गाड़ी लेकर, और गाड़ी स्लो हो गई है थोड़ी सी, और ये आगे कोई रोड पे डांस कर रहा है। ओके डांस कर रहा है, ये बंदा काफी टाइम से गाड़ी रोक के बैठा है। ये रोड के बीचों बीच कौन आ गया, लगता है देखना पड़ेगा। अरे पागल डांस कर रही है, अरे हट जा सामने से वरना गाड़ी से उड़ा दूंगा मैं। ओके ये बंदा थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है इस लड़की पे, लेकिन करना क्या चाहता है इस वीडियो में है क्या खास? ये बाहर निकल गया और अब ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, लेकिन होने क्या वाला है यहाँ पे, क्यों ये वीडियो दिखा रहा है मुझे तू? अब देखे तो सही, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है। ओके चलो ये बंदा आगे आगे। अरे हट यहाँ से, पागल हो गई है तू, यहाँ पे बीच रोड में कौन डांस करता है? हाँ अरे मेरी बात तो सुन, सुनने का तैयार ही नहीं है मेरी बात। अरे सुन ना, अरे ये तो लगता है सुन रही है मेरी बात। अरे हट यहाँ से, ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे ए, मुझे नीचे उतार रही, कौन है? अरे जादूगर है तू? ओह माय गॉड, इसने तो इसको आसमान में टांग दिया, बट कैसे ये क्या हो रहा है? अरे यही तो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सर्वियन लेडी है, और ये रास्तों में जो भी इसे नजर आता है ये उसे खत्म कर देती है। तो ये वीडियो मुझे तो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो बताने वाला हूँ इसे सुन के आप भी डरने वाले हैं। अरे यार गाइस ये बताता नहीं है और डरा रहा है मुझे, पर पता नहीं क्या हो रहा है इस बंदे की, तो बिल्कुल इसने चूरम चूर कर दी इसकी गाड़ी भी, और इसको भी मार दिया इसने। गाइस ये हो क्या रहा है? अच्छा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपके घर में एक कुत्ता है ना। कुत्ता चौप? हाँ शायद उसका नाम चौपी है, मैं उसको बहुत पहले आपके घर में देखा था, और आज मैं जैसे ही जा रहा था वहाँ से मैंने सर्बियन लेडी को देखा, तो मैं वीडियो बना ही रहा था तभी देखा आपका कुत्ता वहाँ गया, और उस कुत्ते को भी उस सर्बियन लेडी ने पकड़ के ले गई। अगर आप जानना चाहते मैं कौन हूँ तो वापस आऊँगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। चलो चलो अब सारा काम हो जाएगा, मैं चल के इधर छिप जाता हूँ जब तक वो यहाँ घर से जाए। अरे यार गाइस ये तो भाग गया, अपनी पूरी बात नहीं बताई, पर ऊपर से ये बोला था तुम वापस आओगे तो मैं सब मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूँ, क्यों बता रहा था तुम्हें ये सब। लेकिन चौप खतरे में है, चौप घर पे नहीं है। गाइस फिर चौप कहाँ है? अरे फिक्र भैया चलो चौप को बचाने। अरे हाँ चौप को तो बचाना ही पड़ेगा ना, आधी रात को चौप घूमने भी चला गया और उसको सर्बियन लेडी ने पकड़ लिया। सर्बियन लेडी सब कहाँ होगी? एक्चुअली हम लोग को वहाँ पे जाना होगा गाइस, जहाँ पे ये वीडियो में हम लोग देखा आतंक जहाँ पे वो कर रही थी, उस बंदे को जहाँ पे मारा सर्बियन लेडी ने, ये वही पे वीडियो बनाया और चौप भी वही पर था। गाइस चौप ने, चौप उसको बचाने तो नहीं जा रहा था? पता नहीं यार चौप की क्या हालत हुई होगी, चौप सही भी होगा या फिर सर्बियन लेडी ने उसे। अरे
फेंक भी आए सब मत सोचो, चॉप सही होगा। अरे हाँ, लेकिन उसने देखा नहीं वो कितना ज्यादा पावरफुल थी। अरे वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसका डांस देख रहा था, क्या मस्त डांस करती है सर्बियन लेडी। अरे यार, चॉप की चिंता हो रही है, तुम्हें सर्बियन लेडी का डांस देखना है? अरे यार, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है हो जाता है। अरे यार, तू भी सही बोल रहा है, लेकिन चॉप की टेंशन तो हो रही है मुझे। गाइस, पूरे के पूरे सिटी में ढूंढना पड़ेगा कि वो सर्बियन लेडी एक्चुअली में कहाँ है। वो रहती तो रोड पे ही है ना? अरे हाँ, वो तो हमेशा रोड पे डांस करती है। वो तो जगह तो बिल्कुल यही थी, एग्जैक्ट इसी जगह पे सर्बियन लेडी ने उस बंदे को किल किया था। एक्चुअली हम लोग को पूरा का पूरा ये एरिया डिस्कवर करना होगा कि वहाँ पे कोई है या फिर। गाइस, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा यार। चॉप, कहाँ है तू? चॉप, अरे चॉप रिप्लाई दे यार प्लीज। लगता है यार यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, हम लोग को जाना पड़ेगा दूसरी जगह पे। अरे हाँ, चॉप होता तो यहाँ पे जरूर उसकी बदबू आ जाती। हाँ यार, ये तो बात सही है, चॉप बदबू दूर से ही कर देता है। वैसे गाइस, ये वो वाला गाड़ी देखो, एक्चुअली में ये वही वाली गाड़ी है जिसे सर्बियन लेडी ने उठाकर फेंक दिया था। मतलब कि सच में ये बात सच है कि सर्बियन लेडी यहाँ पे आई थी और शायद वो चॉप को भी उठा के ले गई है। अरे हाँ फेंक भैया, ये गलत बात थोड़ी ना है, वीडियो में तुमने देखा ना। लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा कि चॉप को उठा रही थी। अरे शायद चॉप को बाद में उठाया होगा। गाइस, हम लोगों ने पूरी की पूरी सिटी छान मार दिया है, लेकिन अभी तक सर्बियन लेडी का पता नहीं चल पाया है। हम लोग को लगता है पूरे का पूरा सिटी ही नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही छान मारना होगा, या तक कि सिटी के बाहर भी। लेकिन गाइस, सिटी के अंदर सिर्फ एक जगह बच चुका है। अरे हाँ, वो क्या बोलते हैं उसे, झूला वाला जगह। एक्चुअली में गाइस, हाँ मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सिंचन ने बता दिया झूला वाला जगह। अरे फिर भैया, हम लोग झूला वाला जगह पे आ गए हैं, तो चलो ना थोड़ा बहुत झूला भी झूल लेते हैं। अरे सिंचन, तू पागल तो नहीं हुई यार, यहाँ पे चॉप खतरे में है। अरे हाँ, उसको तो मैं भूल ही गया था, चलो वैसे चॉप को ढूंढते हैं। एक्चुअली हम लोग वही कर रहे हैं सिंचन। हाँ हाँ यार, कितना याद दिलाओगे, मुझे दिमाग मत खराब करो तुम। ओके ओके यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सिंचन मिल जाएगा। अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है चॉप का, तुम आराम से झूला झूला देते थोड़ा सा मुझे। अरे यार, तुम चुप भी रहो यार थोड़ा सा। चलो गाइस, मैंने पूरी जगह ढूंढ ला, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है सर मिल लड़ी। लेकिन एक्चुअली में मुझे कुछ तो दिखा रहा है। अरे वाह, क्या है? वाह, ये तो सिर्फ मतलब वाह की बोल रहा हूँ मैं पागल तो नहीं हूँ, तो सर्बियन लेडी है। लेकिन मुझे यहाँ पे देख के कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे सिंचन, तुम कहाँ जा रहे हो यार? अरे फिक भाई, तुम लोग को यार, मेरे को बहुत ज्यादा मन है इसके साथ डांस करने का। अरे सर्बियन लेडी आ गया, मैं तुम्हारे साथ डांस करने। अरे सर्बियन लेडी तो कुछ नहीं करेगी मुझे, तो बड़ी अच्छी है। अरे वाह, मजा आ रहा है। अरे वाह सर्बियन लेडी, तुम भी मेरे जैसे डांस कर रही हो। अरे यार, ये तो पागल हो गया है सिंचन, सर्बियन लेडी के साथ डांस कौन करता है? अभी तो ये उसका किलर बन चुकी है। गाइस, मेरे को करना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो, गाड़ी मेरी नीचे उतर गई, अभी मेरे को सीधा टक्कर मारनी होगी इसे, और बाद में पता करेंगे चॉप कहाँ है। पहले सिंचन तो बचा है। रे यार, ये कितनी ज्यादा चालाक है। अरे नहीं, इसने मुझे भी हवा में टांग दिया। ओ सीट सीट, मुझे पटक दिया। अरे यार सिंचन, भाग तू यहाँ से। अरे फिक भैया, क्यों भागू? अरे यार फिक भैया, सीता हो तुम। अरे फिक भैया यार, तुमको छोड़ के मुझे टांग लिया सर्बियन लेडी ने। गाइस यार, ये क्या गड़बड़ हो गई, सर्बियन लेडी ने सिंचन को भी पकड़ ले गई। अभी मुझे पता करना होगा। उफ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है गाइस, मेरे को बहुत जोर की लगी है। लेकिन नहीं, सर्बियन लेडी मैं आ रहा हूँ, आज तुझे सिंचन को और चॉप को दोनों को ही छोड़ना होगा, वरना आज तू खत्म हो जाएगी मेरे हाथों से। आज मैं छोड़ूंगा नहीं सर्बियन लेडी को, इसने बहुत तंग कर दिया मुझे। अरे यार, कहाँ मिलेगी सर्बियन लेडी? इतना तो मैं किसी को भी नहीं ढूंढता हूँ जितना मैंने सर्बियन लेडी को ढूंढा है। पहले तो ढूंढते ढूंढते मिली, अब मिल भी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पे चली गई सर्बियन लेडी। अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंचन भी नहीं मिल रहा है मुझे, अब क्या करूँ मैं बेचारा। अरे तो फेंक भैया की आवाज है। अरे फेंक भैया, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे ये क्या कर दिया सर्बियन लेडी, तुमने गंदी लेडी कहीं की। अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे ये तो कोई भी नहीं सुन रहा है मुझे, लगता है कि सिंचन मिल नहीं पाएगा, अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा। अरे फेंक भैया रुको यार। गाइस, मैं तो अब घर पे आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पाया सिंचन का। लेकिन ये डोर कहाँ गया यहाँ का? अरे मेरी गाड़ियाँ भी गायब है, ये क्या हो रहा है? सोफे का कवर भी गायब है और सोफा उधंग मचा पड़ा है, और टीवी भी गायब है, ये क्या है मेरे घर में? मेरे घर में कौन आया था? एक्चुअली में गाइस, मेरे घर में चोर आ गया था रात को और सब चीज़ चोरी हो चुका है, और पता नहीं गाइस अब क्या होने वाला है। अब तो ऊपर देख कर आता। अरे चॉप, तुम यहाँ पे? अब
भाई साहब यार कर लिया तू किधर था भाई, इतना ढूंढा मैंने तेरे को, बंदे ने मुझे किडनैप करके एम्बुलेंस में डाल दिया था। अरे यार मतलब कि वो बंदा मेरे को उल्लू पढ़ा रहा था और उसके वजह से मैं सर्बियन लेडी से लड़ने चला गया और सर्बियन लेडी ने सिंचन को पकड़ लिया और चॉप तो उसके किडनैप में था यार। ये वही बता रहा था कि तुम वापस आओगे तुम्हें सब मालूम पड़ेगा। ओहो उसने तो मुझे उल्लू पढ़ा दिया। लेकिन सर्बियन लेडी अब तेरा और मेरा युद्ध शुरू होने वाला है, तो अगर तुझमें दम है तो मेरे सामने आ, मैं सिंचन को बचाऊंगा और तुझे भी खत्म कर दूंगा। गाइस अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो #nextpart, तब मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना।